हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। लास्ट कुछ टाइम से मारुति ऐसे कंपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है इंडियन मार्केट में, और ये चीज़ केवल मारुति के साथ ही नहीं है, इवन सुजुकी जो उसकी पैरेंट कंपनी है वो भी अब काफ़ी एक्टिव हो गए इंटरनेशनली भी। मारुति ने करेंटली सिलेरियो को लॉन्च किया है, उसके अलावा कुछ टाइम में ब्रेजा का भी फेस लिफ्ट आने वाला है, बलिनो का भी फेस लिफ्ट आने वाला है, और साथ ही में सुजुकी ने ग्लोबली एस क्रॉस को रिवील कर दिया है, न्यू जनरेशन एस क्रॉस। अगर आप इस गाड़ी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम एस क्रॉस की लुक्स की बात करते तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने में मिलने वाली हैं। एस क्रॉस का फ्रंट लुक अब काफ़ी हद तक एक्सेल 6 से इंस्पायर्ड लगता है। पूरी तरह से ग्रिल को चेंज कर दिया गया है, हेडलैम्प यूनिट चेंज हो गई है, बम्पर चेंज हो गया है, फॉग लैम्प का क्लस्टर चेंज हो चुका है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर चेंज की गई। सामने आपको अब स्किड प्लेट भी दी जाती है, LED DRL आपको मिलती है जो फॉग लैम्प के ऊपर इंसर्ट की गई है, साथ ही में जो हेडलैम्प यूनिट है वो भी अब LED कर दिया गया है। दोनों हेडलैम्प को क्रोम के थ्रू स्ट्रिप के थ्रू कनेक्ट भी किया जाता है, मतलब ओवरऑल सामने से गाड़ी के लुक को पूरी तरह से एनहेंस किया गया है। ये कुछ हद तक मारुति XL6 से सिमिलर तो लगती है, बट उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी यहाँ पे देखने में मिलने वाले हैं। अगर हम साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको बहुत मेजर चेंजेस देखने में नहीं लगते। पुरानी एस क्रॉस से कुछ हद तक ये मिलती जुलती है। यहाँ पे आपको सेम ही डिज़ाइन के ग्रैब डोर हैंडल्स या ये सब चीज़ें मिलने वाली। हाँ, अलॉय के साथ डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है। वहीं पर अगर रियर प्रोफाइल आते तो यहाँ पे वापस से बहुत सारे चेंजेस, ऑलमोस्ट पूरा नया रियर प्रोफाइल ही बना दिया गया है। बम्पर्स नहीं है, टेल गेट का डिज़ाइन नया है, टेल लैम्प्स का डिज़ाइन नया है, अब वो क्लियर ट्रेल लैम्प हो गए, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, पहले की तरह रेड कलर में नहीं मिल रहे हैं। रियर प्रोफाइल कुछ हद तक नई वोक्सवैगन टिगुआन से भी मिलती हुई लगती है, मतलब ओवरऑल रियर प्रोफाइल काफ़ी अच्छा किया गया। अगर हम ओवरऑल लुक्स की बात करते हैं तो जो पुरानी एस क्रॉस थी उसमें काफ़ी हद तक कार जैसी फील आती थी, और ये भी एक रीज़न था कि वो एस क्रॉस जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि क्रेटा, सेल्टॉस, एस्टर, उतने ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाती है। लेकिन ये जो नया डिज़ाइन है ये डेफिनेटली कहीं ज़्यादा माचो लगता है, ज़्यादा SUV-ish लगता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल्स में भी अगर ये डिज़ाइन आता है तो काफ़ी हेल्प करेगा एस क्रॉस की। तो ये तो वो एक्सटीरियर की बात। अगर हम इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने में मिलने वाले हैं। पुरानी एस क्रॉस का इंटीरियर कुछ हद तक अब बोरिंग सा लगने लगा था, क्योंकि वही एक इंटीरियर हम काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे थे। जो करेंट इंटीरियर आया है उसमें काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, जैसे जो क्लस्टर है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है, स्टेयरिंग व्हील वही रखा गया है जो डेफिनेटली मारुति को चेंज करना चाहिए या फिर सुजुकी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी हद तक अब बोरिंग लगने लगा है। बहुत टाइम से ये डिज़ाइन देख रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों में देख रहे हैं, और जहाँ बाकी ब्रांड्स काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन में चले जाते हैं, इवन सुजुकी में अगर आप स्विफ्ट का स्टेयरिंग देखते तो वो कहीं अच्छा दिखता है मारुति सुजुकी के ऊपर की गाड़ियों से, जैसे विटारा ब्रेजा है या फिर अर्टिगा है, एस क्रॉस है, जिनमें ये नया स्टेयरिंग मिलता है। वहीं पर अगर हम क्लस्टर की बात करते हैं तो वो भी नए डिज़ाइन का मिलता है, आपको इन्फोटेनमेंट स्क्रीन नए डिज़ाइन का मिलता है, पूरा सेंट्रल कंसोल भी डिफरेंट डिज़ाइन का मिलता है। इंटीरियर अभी भी ऑल ब्लैक है, इसको कोई और कलर में भी या ड्यूअल टोन में ऑफर करते तो गाड़ी और प्रीमियम लगती, पर हाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर लगता है। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अभी भी नहीं हुआ है। हाँ, कहीं कहीं आपको सिल्वर एक्सेंट्स दिए गए हैं, कहीं कहीं पे आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, पर ये डिज़ाइन अभी भी उस लेवल का नहीं है जितना इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं। फिर आप किया की सेल्टॉस देख लीजिए, आप MG एस्टर देख लीजिए, हुंडई क्रेटा देख लीजिए, वोक्सवैगन स्कॉडा में देख लीजिए, हर एक गाड़ी इससे ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफर कर रही है, ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही है। हाँ, लेकिन एस क्रॉस अभी भी ब्लैक इंटीरियर के साथ है, पर एक डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है पिछले वाले इंटीरियर के ऊपर। तो ये तो इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात।
अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि करंट एस-क्रॉस फीचर्स के मामले में बहुत पीछे थी अगर हम इसके बाकी किसी भी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं। एस-क्रॉस में आपको नए फीचर्स में LED हेडलैम्प, कनेक्टेड कार मिलने वाला है, 9 inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग, मे बी इलेक्ट्रिक सनरूफ, 17 inch अलॉय व्हील्स, एम्बियंट लाइटिंग, मतलब आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने वाले। फीचर वाइज भी S-Cross अपने सभी कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा पीछे रह गई थी, इसलिए यहाँ पे फीचर के एडिशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 6 एयरबैग्स आते तो ये बहुत टाइम बाद ऐसा हो कि मारुति फाइनली 6 एयरबैग तक पहुँची है, नहीं तो अभी तक मिलने वाली इसकी हर एक गाड़ी में केवल 2 एयरबैग्स ही थे। साथ में सनरूफ भी नहीं मिलता है, अब इंडिया में मारुति टोयोटा के साथ काम करे तो सनरूफ मिले ना मिले कुछ नहीं कह सकते, और ना बाकी हर एक चीज़ ऑफर करने के पूरे चांसेस हैं। तो ये तो था मारुति S-Cross की सारी डिटेल्स। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर लॉन्च कब होने वाली है, तो देखिए 2 पॉइंट्स हैं। मारुति S-Cross एक अच्छा प्रोडक्ट है, पर साथ में हमने देखा कि टोयोटा और मारुति मिलकर एक नया प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं जो हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस से कम्पीट करने वाला। तो अब हमें देखना होगा कि क्या S-Cross जो हमें दिखाई गई ग्लोबली उसी को इंडिया में लाया जाता है थोड़े चेंजेस के साथ, या फिर एक बिल्कुल ऑल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। अगर हम इसी S-Cross को भी आने की बात करते तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली 2022 के सेकेंड हाफ में आने के चांस है, उससे पहले आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि उसके पहले मारुति ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को लाइनअप करके रखा, फिर वो बलिनो हो, ब्रेजा हो, तो इंडिया में करेंटली इस प्रोडक्ट के आने के चांसेस बहुत कम है। ऑलमोस्ट 2022 के सेकेंड हाफ में या मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के अराउंड आपको ये प्रोडक्ट इंडियन कार मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं, जो हमें अभी तक ग्लोबली मार्केट में प्रोडक्ट दिख रहा है, अगर उसी प्रोडक्ट को इंडिया में लाया जाता है तो प्राइसेस तो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं। कितने बढ़ेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 50,000 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज आ सकता है, क्योंकि मारुति अब पहले की तरह उतना कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग पे नहीं जा रही, उसके ज़्यादातर प्रोडक्ट एक थोड़े से प्रीमियम के साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पे मारुति डेफिनेटली प्राइसिंग थोड़ा सा हाइयर साइड पे रखेगी, पर फिर भी ये जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि क्रेटा सेल्टोस उसके कंपैरिजन में तो ये अभी भी सस्ती ही रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप क्या न्यू S-Cross में इंटरेस्टेड हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।